नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 28 जून देश की बड़ी खबर हम आपके सामने लेकर के आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर दोस्तों पश्चिम बंगाल से आ रही है, जहां पर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद ममता बनर्जी ने एक और चुनाव में बीजेपी को हरा दिया है। ममता बनर्जी ने यहां पर एक और चुनाव जीत लिया है, हम आपको इसके रिजल्ट आगे बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के अंदर चल रहे जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में भारी गड़बड़ी की खबर सामने आ रही है। यहां पर बीजेपी के ऊपर गड़बड़ी करने के गंभीर आरोप लगे हैं, इसको लेकर के ताजा अपडेट आ रही है, आगे हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश से ही होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए के अंदर जबरदस्त फूट। यहां पर नीतीश कुमार ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ा ऐलान कर दिया है। क्या ऐलान किया है किया, इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कोरोना को लेकर के, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर के देश के एक्सपर्ट जो कोरोना एक्सपर्ट हैं उन्होंने भारी चिंता जताते हुए एक और अलर्ट जारी कर दिया है। क्या अलर्ट जारी किया, इस पर भी आगे हम आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों देश में एक बार फिर से इमरजेंसी लगने जा रही है, इसको लेकर के खुद एक बीजेपी नेता ने बड़ा बयान दिया है, क्या कुछ कहा है इस पर भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही दिल्ली से, दिल्ली बीजेपी के अंदर भयंकर भगदड़ मच गई है दोस्तों, एक दिग्गज नेता ने आम आदमी पार्टी का फिर से दामन थाम लिया, इस पर भी ताजा अपडेट हम आगे आपको देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों पश्चिम बंगाल से, ये जहां पर एक बार फिर से ममता बनर्जी की टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं, भयंकर मारपीट हुई है, इसकी भी जानकारी आगे हम आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते होंगे पश्चिम बंगाल में हुए विधानसभा चुनाव में जिस तरह का रिजल्ट टीएमसी का आया है उससे अभी तक गोदी मीडिया और बीजेपी लगातार शॉक पड़ी हुई है, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के एक और चुनाव में जीत हासिल कर ली है। आप इस खबर को भी देख सकते हैं, तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मुकुल रॉय को शुक्रवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति का सदस्य निर्विरोध चुन लिया गया है, यानी कि मुकुल रॉय जो कि अब टीएमसी के नेता बन गए उन्होंने ये चुनाव जीत लिया है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनके नामांकन का हालांकि विरोध किया गया था क्योंकि रॉय भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतकर आए थे। बताया जा रहा है कि मुकुल रॉय समेत 20 विधायकों ने पीएसी की सदस्यता के लिए बुधवार को नामांकन भरा था और 20 के 20 सदस्य जो है निर्विरोध चुन लिए गए हैं, जिसमें से 14 तृणमूल कांग्रेस के कैंडिडेट चुनाव जीते हैं जबकि 6 कैंडिडेट जो है बीजेपी के यहां पर चुनाव जीते हैं। तो कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद एक और चुनाव तृणमूल कांग्रेस ने जीत लिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों उत्तर प्रदेश में चल रहे जिला पंचायत चुनाव के अंदर भयंकर गड़बड़ी, आप इस खबर को देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी ने जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा पर शासन व सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी ने कहा है कि सरकार ने शनिवार को 12 जिलों में उसके प्रत्याशियों को नामांकन तक नहीं करने दिया। पार्टी ने शनिवार शाम राज्य निर्वाचन आयोग में इसकी शिकायत भी की है। सपा नेताओं ने कहा है कि सरकार के इशारे पर पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं ने सपा कार्यकर्ताओं पर और उनके नेताओं को मारा पीटा, जिला पंचायत सदस्यों का अपहरण तक कर लिया गया था। समाजवादी पार्टी के एमएलसी उदयवीर सिंह व राष्ट्रीय सचिव राजीव राय ने राज्य निर्वाचन आयोग मनोज कुमार से मिलकर के सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि जहां जहां बीजेपी चुनाव हार रही है वहां वहां हमारे कार्यकर्ताओं को और हमारे जो कैंडिडेट हैं उनको अगवा कर ले रही है और पुलिस के द्वारा अगवा करवा करके पूरा दिन उनको ले जा करके जंगल में घुमाती है और जब समय निकल जाता है नामांकन का उसके बाद ला करके उनको छोड़ देती है। इस तरह से बीजेपी लगभग 12 जगहों पर जो है हमारे प्रत्याशियों के नामांकन रद्द करवा दिए और अपनी जीत हासिल कर ली है। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर एक और जो है चुनाव में भयंकर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही दोस्तों उत्तर प्रदेश में
होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए एक और बड़ी खबर, आप इस खबर को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अब बिहार में एनडीए के साथ मिलकर सरकार चला रहे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने यूपी चुनाव में उतरने का फैसला ले लिया है, जिससे बीजेपी की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। यूपी प्रभारी यानी कि जेडीयू के प्रधान महासचिव और यूपी प्रभारी केसी त्यागी ने कहा है कि उनकी पार्टी 2022 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। साथ ही त्यागी ने गठबंधन बनाए जाने की भी बात नहीं कही है, यानी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथ जेडीयू गठबंधन नहीं करेगी और बीजेपी से अलग होकर के चुनाव लड़ेगी। खबरों के मुताबिक बताया जा रहा है कि लगभग 200 से ज्यादा सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ सकती है और यह कहीं ना कहीं बीजेपी का जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं टूटने का डर बीजेपी को अब सताने लगा है। देखना यह होगा कि आगे बीजेपी इस मामले को कैसे मैनेज करती है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश भर में लगातार कोरोना का जो प्रकोप है बढ़ता जा रहा है। कोरोना का डेल्टा प्लस वेरियंट फिर से एक बार देश में सक्रिय होता जा रहा है। देश में 80 से ज्यादा नए केसेस इसके सामने आए हैं, लेकिन इस मामले पर अब कोरोना एक्सपर्ट्स ने एक और अलर्ट जारी कर दिया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में टीकाकरण अहम हथियार है। 21 जून को अब एक ही दिन में रिकॉर्ड 87 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन जहां एक तरफ लगाई गई है, वहीं दूसरी तरफ एक्सपर्ट का मानना है कि दूसरी लहर से उबरने के बाद जिस रफ्तार से टीका लगाया जा रहा है वह कोरोना की संभावित तीसरी लहर को रोकने में कारगर साबित नहीं होगा। एक्सपर्ट का कहना है कि टीकाकरण की रफ्तार तेज होने के बाद भी प्रतिदिन औसतन 46 लाख लोगों को ही वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि पिछले कुछ महीनों में 30 लाख वैक्सीन औसतन प्रतिदिन लगाई गई हैं। तमाम प्रयासों के बावजूद भारत में अभी तक सिर्फ 4% आबादी ही कोरोना से वैक्सीनेट हो पाई है, तो यह कहीं ना कहीं एक चिंताजनक बात है। और इसी के चलते कोरोना एक्सपर्ट्स ने कहा है कि देश की जो तीसरी लहर कोरोना की आने वाली है देश के अंदर, वो अब जो है दूसरी लहर से और भी ज्यादा खतरनाक हो सकती है और इसका असर ज्यादा लोगों पर हो सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर के MIM और राजभर की पार्टी गठबंधन करने जा रही है। आप इस खबर को देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर के बढ़ती जा रही, इस इलेक्शन की सरगर्मी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इस समय सेमीफाइनल राउंड समझे जाने वाले यानी जिला पंचायत चुनाव 3 जुलाई को होना है। ऐसे में मायावती के बसपा के साथ असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी स्पष्ट कर दिया है कि किसी पार्टी से चुनाव या गठबंधन के सिलसिले में कोई बात नहीं हुई है। लेकिन इस बीच जानकारी मिल रही है कि ओवैसी की पार्टी ओम प्रकाश राजभर यानी भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। ये यानी कि लगभग खबर की पुष्टि हो रही है। आपको मैं खबर भी दिखा रहा हूं, आप देख भी सकते हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, देश में एक बार फिर से इमरजेंसी जैसे हालात। आप इस खबर को देख सकते हैं दोस्तों। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि इमरजेंसी देश का काला अध्याय था, उस दौरान 7 लाख लोग बेवजह जेल में ठूसे गए हैं, लेकिन अभी फिलहाल देश में इमरजेंसी तो नहीं लगी है, लेकिन इमरजेंसी की तरफ देश बढ़ता जा रहा है, ये देश के लिए चिंताजनक बात है। बताया जा रहा है कि अगर लोग सचेत नहीं रहे तो पिछली बार जिस तरह से इमरजेंसी लगाई गई थी उसी तरह से फिर से एक बार देश में इमरजेंसी लग सकती है, यानी कि मोदी सरकार को लेकर के एक बार फिर उन्होंने हल्ला बोल दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, दिल्ली से। दिल्ली में बीजेपी को बड़ा झटका लगा, आप इस खबर को देख सकते हैं। पार्षद राजकुमार बल्लन ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है दोस्तों। ये बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी को दिल्ली में बड़ा झटका लगा है। बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मुकुल रॉय के कार्यक्रम में भारी हंगामा, टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच भयंकर मारपीट की खबर एक बार फिर से सामने आ रही है। आपकी अपनी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।